नमस्कार दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ी कुछ बैड न्यूज है जो जानना आपके लिए काफी जरूरी है। कुछ दिन पहले हमने एक प्रॉपर वीडियो आपको दिए थे जिसमें सारे डाउट को आपको क्लियर किए थे। यहाँ पे समस्या क्या हो रहा है, काफी सारे छात्र लगातार कल से ही कमेंट कर रहे हैं कि सर साइट जो है इसका काम करना पूरी तरह बंद कर दिया है, ये साइट काम नहीं करता है। छात्र जब यहाँ पे अभी भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे हालांकि जो डेट मेंशन किया गया था कि जो छात्र जो है 19 से 20, 20 से 21 सेशन के हैं, उनका आज अंतिम तिथि था, और जो छात्र 21-22 में एडमिशन लिए हैं उनका तिथि अभी भी 30 नवंबर तक रखी गई, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत 19 से 20, 20 से 21 वाले छात्रों का है। यहाँ पे नए जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। लिखता है कि एकेडमिक जो ईयर है, इस प्रकार का पॉपअप उनके सामने आता है कि जो नए रजिस्ट्रेशन का एकेडमिक ईयर है यानी क्लोज कर दी गई है 20 से 21 और 19 से 20 के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट अगर 19 से 20, 20 से 21 का ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किए, तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आकर क्या करें, अपना जो भी आईडी पासवर्ड बनाए थे जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर स्टूडेंट, इस पे क्लिक करके आप आज भर जो है इसको हर हाल में इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। जो 19 से 20, 20 से 21 वाले छात्र है उनके लिए हम बात करते हैं, आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बट अब नए रजिस्ट्रेशन आज से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भर डेट था लेकिन आज से ही इसको बंद कर दी गई है, यानी कोई कैंडिडेट अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था जो जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फाइनल सबमिट नहीं किया, तो फटाक से लॉगिन कीजिए और फाइनल सबमिट आज भर दीजिए, क्योंकि कल से ये भी होना जो है आपको बंद हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।